नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के एक छोटी खाटू से है, जहां कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन से आमजन को अवगत कर जागरूक करने तथा पालना करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारियों द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान विकास अधिकारी पंचायत समिति डीडोना हरफुल सिंह, नायब तहसीलदार सदैव मंडा, खुनखुना थाना अधिकारी हरिराम जायजुंदा व अन्य अधिकारी सहित पुलिस स्टाफ आदि ने कस्बे में बस स्टैंड, भट्टा चौराया, सदर बाजार, गोल बिल्डिंग सहित अन्य मार्गों में पैदल मार्च कर आमजन को कोरोना महामारी से रोकथाम हेतु जागरूक किया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू शनिवार व रविवार के दौरान कस्बे में सभी प्रतिष्ठान व दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कस्बे की पुलिस चौकी में अधिकारियों द्वारा व्यापार मंडल की बैठक ली गई, जिसमें विकास अधिकारी हरपुल सिंह, नायब तहसीलदार सदैव मंडा, खुनखुना थाना अधिकारी हरिराम जायजुंदा व अन्य अधिकारियों ने व्यापार मंडल के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव में कस्बे में समस्त व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान व दुकानें आगामी 7 दिनों के लिए बंद रखें, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन टूट सके और पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतते जिससे बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। व्यापार मंडल के सदस्यों ने आगामी दिनों में बातचीत कर बताने का आश्वासन दिया। छोटी काटू से गौतम सोनी की विशेष रिपोर्ट।